दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था SSB का टिकट कैसे करना है। अभी मैं बताऊंगा SSV का टिकट आपको कैंसिल कैसे करना है। अगर आपको कैंसिल करना है या फिर रीप्रिंट करना है तो ये दोनों मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले उसी तरह आपको सर्च करना है SSV ट्रांसपोर्ट। SSV ट्रांसपोर्ट सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए साइट, पहला वाला जो साइट है SSV ट्रांसपोर्ट लाइन्स, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। या अगर आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो देखिए मैं साइन इन कर दिया हूँ ताकि आप अच्छे से दिखा पाओ। तो यहाँ पे साइन इन, यहाँ साइन अप में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो यूज़र नेम आप क्रिएट किए थे, आपका ईमेल आईडी या फिर आपका नाम, वो आप टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करके साइन इन में क्लिक करेंगे। साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपका नाम को ऊपर क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू टिकट्स में क्लिक करेंगे। व्यू टिकट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा आप कौन सा टिकट अभी ले चुके हैं। तो आपको अगर यहाँ पे कैंसिल करना है, देखिए नीचे कैंसिल टिकट लिखा हुआ है। अगर आपको व्यू करना है, टिकट को देखना है, तो व्यू टिकट में आप क्लिक करेंगे तो टिकट आपका सामने शो होगा और दोबारा से यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डाउनलोड टिकट में क्लिक करके। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, कैंसिल करना है, तो बैक चले जाना है और यहाँ पे कैंसिल टिकट का जो ऑप्शन है रेड कलर का, इसमें एक बार क्लिक करना है। उसके बाद येस में क्लिक करना है कि आप श्योर है, ये आपको पूछ रहा है साइट, येस मैं श्योर हूँ इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। तो येस में क्लिक करूँगा। देखिए आपका कैंसिलेशन हो चुका है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे और टिकट नहीं है, कैंसिल हो चुका है। और ऊपर में एक आपको एक पॉपअप भी शो होगा और इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपका टिकट कैंसिल हो चुका है और आपका जो पेमेंट है वो जल्दी आपका अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपना टिकट आप कैंसिल भी कर सकते हैं SSV का। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।